दोस्तों, चोरी करना एक आर्ट है, कला है और चोर एक आर्टिस्ट। लेकिन गरीबी, बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी और कंपटीशन के चलते आजकल लोग बिना कलाकारी के भी इस लाइन में घुसने की कोशिश में लगे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप चोर बिरादरी में अब शातिर के बजाय मूर्ख चोरों की संख्या बढ़ती जा रही है। मूर्ख चोरों से जुड़े कुछ हैरान कर देने वाले वाकये दिखाने के लिए हिंदी काउंटडाउन ने आपके लिए एक सीरीज जारी की और अब तक 6 पार्ट्स बना डाले। आज उसी कड़ी में एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं डम थीव्स कॉटन कैमरा पार्ट 7। ये जिन सज्जन को आप ठंडा पानी गटकते और लोगों द्वारा भीड़ लगाकर उसकी रिकॉर्डिंग करते देख रहे हैं, ये कोई सेलिब्रिटी नहीं बल्कि एक निहायत ही बेवकूफ चोर है, जिसको हलाल करने से पहले खातिरदारी की जा रही है। दरअसल फरवरी 2020 के दौरान कर्नाटका के बेंगलोर में शशांत बी नाम का युवक चोरी करने के इरादे से एक 3 मंजिला घर की खिड़की पर चढ़ गया, लेकिन मजबूत ग्रिल लगे होने के कारण अंदर घुस नहीं पाया और वापस नीचे जाने की सोचने लगा, और वो व्यंग सही साबित कर दिया। खुदी को कर बुलंद इतना चढ़ाओ जैसे तैसे, खुदा ने बंदे से खुद पूछा, अबे अब उतरेगा कैसे। जी हाँ, ये जनाब उतरते समय ऊंचाई देखकर हिम्मत हार गए और वहीं लटक गए। सूत्रों के मुताबिक रात भर इसी तरह लटके रहने के बाद सुबह इन महाशय ने सड़क पर चलते राहगीरों से मदद की गुहार लगाई, जिस पर राहगीरों ने तुरंत पुलिस और फायर फाइटर्स की टीम को बुलाया, जिसके कुछ ही देर बाद इन जनाब को नीचे उतारा गया। कुछ इसी प्रकार अप्रैल 2011 के दौरान चीन के लियाओनिंग प्रांत में एक चोर बिल्डिंग में चढ़ते समय 5वें माले पर लटक गया, जिसे फायर फाइटर्स ने लगभग 30 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद बचाकर नीचे उतारा। शायद आपने वो व्यंग सुना हो कि लोग मुसीबत में पड़ी लड़की की मदद को लड़कों की तुलना में ज्यादा तवज्जो देते हैं, जैसे कि इस ट्रक ड्राइवर ने केवल लड़की को बचाकर कर लिया। ठीक ऐसा ही मार्च 2021 के दौरान ब्राजील के विला वेला नामक शहर में देखने को मिला, जब एक चोर ने हॉट लड़की का फोन छीन कर भागने की जरूरत की। अगर वो मर्द होता तो शायद चोर एक बार को कामयाब भी हो जाता, लेकिन वो एक हॉट लड़की थी, जिसके चलते पूरी दुनिया के मर्द उसके दुश्मन उसी वक्त बन गए। पहले तो तुरंत एक कार ड्राइवर ने अपनी महंगी कार की परवाह किए बगैर उसे पेमेंट पर चढ़ा कर चोर को धराशायी कर दिया। गैर मामूली खरोंचे आने के चलते चोर की हिम्मत नहीं टूटी और वो वापस उठकर भागना शुरू कर देता है, मगर पीछे पीछे वो लड़की और कार वाला और अपनी बीवी को छोड़ एक दूसरा आदमी लग जाता है। अब तक शायद पूरी दुनिया को खबर लग चुकी थी, तभी सामने से दूसरा लड़का उड़कर उसे लात मारता है। तब तक एक साइकिल वाला अपने नंबर बनाने के लिए और जोरदार लात मारता है। एक के बाद एक लोग जमा होते गए और बहती गंगा में सबने हाथ धो लिए, जो हम आपको दिखा तो नहीं सकते। क्या आपको नहीं लगता कि इस चोर ने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है? कमेंट करके बताइए ना। फिलीपींस के एंटीपोलो शहर के रहने वाले एक व्यक्ति के घर पर ताला लगा देख एक चोर ने मन बनाया कि क्यों ना घर में खड़ी महंगी साइकिल को चुरा लिया जाए और महंगी साइकिल का शौक पूरा कर लिया जाए। ये सोचते हुए जनाब घर की दीवार पर लगे फैंस को फांद कर अंदर घुस जाते हैं और साइकिल निकालने की बढ़िया जगह तलाशने लगे, और काफी समय तक गहन चिंतन करने के बाद चोर ने सोचा कि साइकिल को फैंस के ऊपर से निकालना सही रहेगा। अब चोर महाशय ने साइकिल को फैंस के ऊपर से बाहर फेंकने की कोशिश करनी शुरू कर दी, लेकिन काफी समय तक जतन करने के बाद भी उसे कामयाबी नहीं मिली। और मिलती भी कैसे, दीवार पर लगे फैंस के ऊपर इतनी जगह थी ही नहीं इसके ऊपर से साइकिल निकाली जा सके। तभी जनाब को वहां बच्चों की गंद दिख जाती है और वो रियल लाइफ पबजी खेलना शुरू कर देता है। पबजी खेलने के बाद वो कुर्सी लेकर उसे निकालने की कोशिश में जुट गया, लेकिन तभी मकान मालिक की कार घर पर पहुंच जाती है, जिसे देख चोर तुरंत 9-2-11 हो जाता है, लेकिन मालिक उसके पीछे लग जाता है और बेचारे का महंगी साइकिल चलाने का सपना एक बार फिर सपना ही रह गया। दिसंबर 2018 के दौरान पुणे रेलवे स्टेशन पर प्रकाश खांडेगर नामक एक 56 वर्षीय व्यक्ति ने किसी यात्री का चार्ज पर लगा हुआ फोन अपने बाप का माल समझकर उठा लिया और अपने आप को नटवर लाल समझने लगा, और वहां से जाने की बजाय फिर उसने आगे जाकर एक महिला का फोन चुराने की सोची और उसके पास बैठकर फील्डिंग जमाने लगा। लेकिन महाशय इस बात से बेखबर थे कि फोन के मालिक ने फोन चोरी के बारे में रेलवे पुलिस को बता दिया है और आरपीएफ की क्राइम डिटेक्शन टीम ने सीसीटीवी की मदद से उसे ट्रेस भी कर लिया है। और इन महाशय के पास रेलवे पुलिस का एक ऑफिसर पहुंच गया, जो उसे बड़े ही प्यार से अपने साथ ले गया और जनाब को ससुराल यानी जेल भिजवा दिया गया।
अगस्त 2019 के दौरान अमेरिका के वाशिंगटन में विलियम केली नाम का एक चोर सड़क किनारे मौजूद स्टोर में चोरी करने के लिए आता है और चोरी का पिकअप ट्रक पार्क करके उसकी चाबी अंदर ही छोड़ देता है ताकि जल्दी से फरार हो सके। लेकिन विलियम के अंदर चोरी करने जाने के बाद वहां एक दूसरा चोर आ जाता है जो पिकअप ट्रक में चाबी लगी देख उसी को चोरी करने में जुट जाता है। अब जब विलियम चोरी करके वापस आता है तभी महाशय उसकी कार लेकर भाग जाते हैं और विलियम के लिए छोड़ जाते हैं अपनी साइकिल। विलियम के गोबर दिमाग का किस्सा यहीं पर खत्म नहीं हुआ। इन्होंने खुद चोरी की हुई गाड़ी की चोरी की शिकायत पुलिस में कर डाली और छानबीन के दौरान पुलिस को मालूम पड़ता है कि ये तो चोरी की कार है और ये जनाब खुद सड़क किनारे मौजूद दुकान पर चोरी करने आया था, जिसके बाद पुलिस उसकी बेवकूफी की तारीफ करती है और उसे धर लेती है। तो दोस्तों, चोर के घर चोरी मुहावरे का अर्थ आप समझ गए होंगे। अमेरिका के ओरेगॉन के रहने वाले एक व्यक्ति के घर पर पड़ा पार्सल चोरी करने के लिए एक चोर आता है और दरवाजा बजाकर सुनिश्चित करता है कि घर में कोई है कि नहीं। जब बाहर कोई नहीं आता तो जनाब थोड़ी दूर जाकर आसपास की जगह का निरीक्षण करने के बाद जब आसपास कोई इंसान नहीं दिखता तो वापस आकर घर के बाहर पड़ा पैकेज उठाने लगता है। लेकिन तभी घर के अंदर मौजूद मालिक दरवाजा पीट कर आवाज करता है और चोर ऐसा डर जाता है कि हकलाते हुए पोपट की तरह बोलने लगता है और सफाई देने लगता है। कहता है, मैं कोई चोरी करने नहीं आया था, मैं तो कुरियर कंपनी UPS का ऑडिटर हूँ और आपका पार्सल सही ढंग से डिलीवर किया गया है कि नहीं ये चेक करने के लिए आया था, और वहां से दुम दबाकर भागता जाता है। क्या चोर बनेगा रे तू। अब जरा इन महाशय पर भी नजर डाल लीजिए जो बिना पड़ताल किए घर में चोरी करने के लिए घुसते हैं लेकिन सीढ़ियों से आते यॉर्कशायर टेरियर को देखकर उल्टे पैर भागने पर विवश हो जाते हैं। ये वाकया उस समय देखने को मिला जब नवंबर 2018 के दौरान कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में कुछ चोरों ने एक भारतीय व्यक्ति के ज्वेलरी शोरूम में चोरी करने का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक सब सही चल रहा था। चोर आए और स्टोर की ग्लास विंडो तोड़कर अंदर एंट्री लेने लगे। तभी प्लान के विपरीत परिस्थिति बनने लगी। एक चोर के अंदर आते ही सिख स्टोर मालिक अपने दो भाइयों के साथ तलवारें लिए उन पर हमला करने पहुंच जाता है। अब तीन तीन तलवारधारी लोगों को देख चोरों की हालत पतली हो गई, लेकिन चोरों ने गन निकाल ली। लेकिन तब भी ये सब डरे नहीं और चोरी का प्लान बदल कर पहले अपने बचने का प्लान बनाना शुरू करते हुए 9:00-11:00 हो गए। जून 2019 के दौरान मुंबई में मलाड रेलवे स्टेशन पर दो चोरों ने चेयर पर घोड़े बेचकर सो रहे आदमी को देख मोबाइल फोन चोरी करने का प्लान बनाया। कुछ देर इधर उधर नजर मारने के बाद सही समय देखकर एक चोर उस आदमी तक गया। जब चोर ने देखा कि मोबाइल तो नीचे दबे पैर की जेब में है तो इन्होंने करवट लेने का वेट नहीं किया बल्कि इनकी हिम्मत देखिए, उस आदमी का पैर पकड़ कर सीधा किया और झट से मोबाइल निकाल कर जेब में डाल लिया और नीचे गिरे हुए कुछ पैसे भी उठाए और खुशी के मारे हीरो बनकर रवाना होने लगे। लेकिन उस पर दो रेल कर्मियों की नजर पड़ गई जिन्होंने उनका पीछा कर उसे पकड़ लिया। इतना कुछ हो गया लेकिन ये जनाब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में लगे रहे। दिसंबर 2017 के दौरान चेक रिपब्लिक में कंस्ट्रक्शन साइट पर एक लाल कार सवार चोर ने कुछ इक्विपमेंट चुराए और भागने की तैयारी करने लगा। लेकिन शोर सुनकर जिस दिशा में कार सवार भागा जा रहा था वहां मौजूद फोर्कलिफ्टर चलाने वाले व्यक्ति ने अपने सूझबूझ से फोर्कलिफ्टर को चोर की कार के आगे लगा दिया ताकि चोर यहां से भाग ना पाए। अब चोर कार को घुमाकर पीछे से निकलने की कोशिश में जुट गया लेकिन तभी पीछे खड़े दो और फोर्कलिफ्टर ड्राइवर्स ने कमान संभाली और पीछे का रास्ता भी फोर्कलिफ्टर से ब्लॉक कर दिया। तीनों ड्राइवर्स ने मिलकर अपनी सूझबूझ और क्विक थिंकिंग की मदद से चोरी होने से बचा ली और चोर को पकड़ लिया गया। पहले ढंग से उसकी पीठ पूजा की फिर पुलिस के हवाले कर दिया। ये वाकया उस समय देखने को मिला जब अक्टूबर 2019 के दौरान अर्जेंटीना में एक सुनसान सड़क पर खड़े शख्स को लूटने दो बाइक सवार चोर आते हैं और बंदूक की नोक पर उसके सामने अपनी डिमांड रखते हैं। लेकिन चोरों के शिकार ने जैसे ही मुंह पीछे किया उन्हें पता चला कि ये तो उनका दोस्त है। अब सामने दोस्त को देख चोर ने उसे गले लगाया और चुपचाप वापस चले गए। सितंबर 2020 को एक पेट्रोल पंप पर स्थित ग्रोसरी स्टोर पर तीन कार सवार चोर आते हैं और सही मौके की पड़ताल करते हुए एक एक करके स्टोर में घुस जाते हैं। लेकिन तीनों के चाल चलन को संदिग्ध पाकर स्टोर मैनेजर अपने बूथ जिसमें पैसे रहते थे में घुसना शुरू कर देता है और तभी चोरों ने उस पर हमला कर दिया और पैसे लेने के लिए बूथ में घुसने की कोशिश में जुट गए।
लेकिन तभी एक बेवकूफ चोर एग्जिट गेट चेक करने गया और गेट को पुश की जगह पुल करने लगा। गलत तरफ खींचने पर जब गेट नहीं खुला तो उसमें लगा गेट लॉक हो गया। उसने दूसरे चोर को बुलाया जिससे मैनेजर को मौका मिल गया और वो खुद को बचाते हुए अंदर बूथ में लॉक कर लिया। अब मैनेजर ने एग्जिट गेट सच में लॉक कर दिया जो कि पहले नहीं था। घबराए चोरों का चोरी करने का इरादा छोड़ बाहर निकलने के लिए गेट तोड़ने में जुट गए। खुशकिस्मती से उनका एक साथी कार में बैठा उनका इंतजार कर रहा था। गेट लॉक देखकर उसने कार की मदद से उसे तोड़ा और बिना कुछ चोरी किए फरार हो गए, लेकिन इससे गाड़ी का नंबर भी पुलिस के पास पहुंच गया। कुछ इसी प्रकार अगस्त 2018 के दौरान वॉशिंगटन में पेट्रोल पंप के ग्रोसरी स्टोर पर बिना पैसे दिए सामान लेकर भाग रहे थे ये महाशय। गेट लॉक की चपेट में आ गए और पूरा सामान वापस लौटाने के बाद गेट तोड़कर दम दबाकर भागने को विवश हो गए। 2018 के दौरान ब्राजील में एक चोरनी दुकान के गल्ले से पैसे चुराकर भागने की फिराक में थी, लेकिन बेचारी इस बात से बेखबर थी कि दुकान वाले गल्ले में होने वाली चोरियों से पहले ही काफी परेशान था, जिसके चलते अब उसने चोर को पकड़ने के लिए गल्ले में माउस ट्रैप और सामने कैमरा रखना शुरू कर दिया था। मोहतरमा ने जैसे ही गल्ले में हाथ डाला वैसे ही माउस ट्रैप उसके हाथ पर चिपक गया। लड़की को किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन सामने लगे कैमरे ने सब कुछ कैद कर लिया था। इसके बाद मोहतरमा ने अपने हाथ से माउस ट्रैप को हटाया और चुपचाप उसे दोबारा गल्ले में डालकर अपनी जरूरत का सामान लेकर बिना चोरी किए ही चली गई। आशा करते हैं वीडियो का पार्ट 7 आपको पसंद आया होगा। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 8 जरूर लिख देना।